मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल। तो गाइस आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो का देखा, इस वीडियो का दोस्तों बनाने का ट्यूटोरियल दोस्तों नवीद भाई का है। और नवीद भाई ने दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के ऊपर दोस्तों मैं ट्यूटोरियल बना के लाऊं। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको सबसे आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आपको इस तरह का कोई वीडियो बनाना सिखाऊंगा। गाइस आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए टिकटॉक में कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दोस्तों आपको इस तरह का वीडियो बनाना सिखाएगा। पर दोस्तों उस सब वीडियो में आपको फ्रेंड्स आपको लाइक ऐप ओपन करना होगा, वहां से फ्रेंड्स आपको इस वाले वीडियो को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको वीडियो बनाना सिखाएगा। गाइस जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखता है उसको फ्रेंड्स पता है कि मैं सबसे आसान और इजी स्टेप को फॉलो करवाता हूँ इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस आप भी अगर कुछ नए टिकटॉक में लेटेस्ट VFX के वीडियो देखते हो जिसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वाले इंस्टाग्राम आईडी पे दोस्तों उस वाले वीडियो को भेज दे या फिर मुझे उसी वीडियो पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके @ लिख के JSR का लौंडा लिख दीजिए ताकि गाइस मेरा जो टिकटॉक आईडी है वहाँ पर मेंशन हो जाए और मैं फ्रेंड्स उस वीडियो को देख सकूँ। तो गाइस उसके बाद मैं आपके लिए उस वीडियो के ऊपर ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा। गाइस आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल JSR कलोना में। गाइस आप अगर मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे या पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा। तो गाइस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा। तो गाइस बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन कीजिए, मैं फ्रेंड्स वहां पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको बीच में जो नियुक्ति फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले नियुक्ति फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के 3 एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि आपको कौन सा एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है। अगर नहीं पता है दोस्तों आपको यहाँ पर 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो का सिलेक्शन करके अपना काइंड मास्टर का आपको ओपन कर लेना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स ये राइट साइड में जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है वो देख सकते हैं, इस वाले मीडिया पर फ्रेंड्स आपको क्लिक कर अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से गाइस एक ब्लैक कलर का आपको बैकग्राउंड सिलेक्शन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको इसका ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको 11 सेकंड तक कर देना है। 11 सेकंड का कर देने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप कुछ इस तरह से दोस्तों आप फर्स्ट तरफ आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जहाँ पर गाइस मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है अभी फ्रेंड्स जो आपको ज़रूरत है, मतलब गाइस जो आपको मोबाइल फेंकने वाला जो वीडियो है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी लाना है। चलिए दोस्तों मैं राइट साइड में जो लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस लेयर में क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों इस वाले लेयर में मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह के 5 ऑप्शन मेरे सामने आते हैं। यहाँ पर गाइस जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, इसी वाले मीडिया पर क्लिक करके गाइस आपको इस वाले वीडियो के यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करके आपको फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा सेकंड वाला आपको इसी में सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे आप इसमें कीजिएगा कुछ इस तरह से दोस्तों आपका वीडियो जो है फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अभी आपको फोटो सिलेक्शन करना है। फोटो सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको जो राइट साइड में ये लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा जैसे इसी लेयर में क्लिक करके गाइस यहाँ पर भी मीडिया में सिलेक्शन करके आपको दोस्तों फोटो का सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको उस वाले फोटो को दोस्तों किस इस तरह से हेयरों में पकड़ के दोस्तों आपको उस वाले मोबाइल के ऊपर लाना है कुछ इस तरह से। लाने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आपको जो 3 डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके गाइस आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह दोस्तों आपका जो फोटो है कुछ इस तरह से आपके वीडियो के पीछे चला जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इसका एक डुप्लीकेट फोटो बना लेना है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए दोस्तों आपको इसी वाले 3 डॉट में क्लिक करके गाइस इसका एक डुप्लीकेट फोटो बना लीजिएगा। अब फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, उस वाले डुप्लीकेट फोटो को दोस्तों आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहाँ पर लाना है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स आप जो फर्स्ट फोटो है वहाँ पर लास्ट तक यहाँ तक लाइएगा कुछ इस तरह से। लाने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, जहाँ पर फ्रेंड्स आपका फोटो यहाँ पर फेंक रहा है मतलब इस जगह पर यहाँ पर लाइएगा दोस्तों और कुछ इस तरह से दोस्तों इसको बड़ा कीजिएगा। बड़ा करने के बाद गाइस इसका भी ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से पकड़ के दोस्तों लास्ट तक कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स उसी फोटो में यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक करके आपको कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको एडजस्ट करना। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसी फोटो में कुछ इस तरह से क्लिक करके इसको 3 डॉट में क्लिक करके दोस्तों आपको सेंड टू बैक ऑप्शन में एक बार क्लिक करना होगा। और इस वाले फोटो को भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको दोस्तों इसको भी सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा।
अब दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप दोस्तों जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो सिलेक्ट किए थे आप उस वीडियो को कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद गाइस जो आपको राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा है वो देख सकते हैं। इसी ऑप्शन का अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके आपको फ्रेंड्स इसको यहाँ पर इनेबल कर देना होगा। जैसे ही गाइस आप इनेबल करेंगे आपका फोटो जो है दोस्तों यहाँ पर दिखने लगेगा। और फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपना वीडियो को प्ले करके देखना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जो लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन दिख रहा है वो देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके अपना फाइल का आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मुझे बगते हुए पहली बार सुन रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। तो गाइस बिना के तरीके चलिए वीडियो पर एंड लगाते हैं।